la 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 la. हम आभारी हैं दैयत के, ग्रामवासियों के और
कैलाश भाई के, जिन्होंने बेहद प्रेम से, सद्भाव से बहुत ही बेहतरीन नाश्ता कराया है और इस प्रेम और श्रद्धा से उन्होंने नर्मदा मंडला वासियों का स्वागत सत्कार किया ग्रहण किया है जो आधारित है। आप भाग्यशाली हैं जो नर्मदा माँ के किनारे आते हैं। अरे मुंह मत लगा, रोज माँ के आप दर्शन करते हैं। दर्शन जब किए तो नर्मदा जी में बहाव तो मुझे दिखा नहीं। आप जगह जगह रेत खदान वालों ने गड्ढे किए हुए थे, वो जरूर देखे थे। उससे देख कर ग्लानी हुई कि नर्मदा जी की जो सम्मान करते हैं, जो पूछते हैं, उनकी भावनाओं पर हमें उठाराघात हुआ है। यहाँ भाव नर्मदा जी का समाप्त करके भाव को अलग अलग करने में खैर ये बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल आप सब लोगों ने हमारा स्वागत जो किया है, स्वीकार किया है, हम आप सब के बहुत आभारी हैं। नर्मदे कल तो तुम रहना साथ में है ना, कल के नाम हाँ आज हमारा लेफ्ट आ माइकी हाथ में दे दे आप चलिए रास्ता बना दो, आप अपने हाथ से जा रहे हैं रास्ता बना दो भाई, दाएं बाएं हो जाओ। यहाँ से वो तकड़ी रास्ता यहाँ से है थोड़ी सी, ये आप ही दे दीजिए हमारा, अभी जी आप ही हमारा नर्मदे हाँ। तो दादा जी ने कहा तैयारी कर लाइन में चलो, चलते रहो एक के पीछे एक, एक के पीछे मिलने वाले। अब जो लाइन चलो रास्ता बना के रखो, दाएं बाएं हो जाओ बाकी लोग। बाजी सरपंच गलत करेंगे थोड़ा इकट्ठा हो जाओ, एक साइड हो जाओ, थोड़ा एक साइड हो जाओ, इधर आप खुली फेंका, कोई नहीं फेंका, एक फुल फेंक दो, फुल फेंकना नहीं। बादशाह खारदा फिर क्या, ये सारे खारदा थे वो Thank you.
चलिए चलिए नल बजाओ भैया की जय, नल बजाओ भैया की जय। लक्ष्मी बाबा से निवेदन है कि दो मिनट का स्वागत भाषण आप इस संत महात्माओं के पास हम जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए और मां नर्मदा की कृपा से। आदरणीय मेघरा जी, आदरणीय कुंडल जी, आदरणीय प्रताप सिंह जी विधायक दमोह जबेरा, आदरणीय होलानी जी, हमारे भाई लक्ष्मी नारायण जी, उपस्थित आदरणीय सभी देवी और सज्जनों, मैं बहुत आभारी हूँ भाई लक्ष्मी नारायण जी का और चिचली गांव के सभी लोगों का जो अभूतपूर्व स्वागत अभिनंदन उन्होंने किया है। ये दर्शाता है कि माँ नर्मदा जी के कितने वे श्रद्धा रखते हुए, कितना वे परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं, ये इससे प्रमाणित होता है। मैं सभी परिक्रमा वासियों की ओर से भाई लक्ष्मी नारायण जी का और उनके सभी साथियों का जिन्होंने हमें यहाँ सम्मान दिया, आमंत्रित किया, आप सब के प्रति आभार। हमारे दिल की बात तो निखरा जी पहले कह चुके हैं, मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब नर्मदा जी किनारे हम चल रहे हैं, जो जिस प्रकार की हालत नर्मदा जी की हो गई है, उससे काफ़ी दुख होता है, ग्लानी होती है। क्या हालत बना दी नर्मदा जी की, ये देखकर ग्लानी होती, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं उन सभी नर्मदा माँ नर्मदा के किनारे बसे हुए उन सभी ग्रामवासियों का आभार मानता हूँ जिन्होंने हमें चाय, नाश्ता, भोजन, स्वागत, शॉल, श्रीफल, साड़ी, धोती, क्या नहीं दिया। यही एक ऐसा तीर्थ है जहाँ खाली झोला लेके चलता है परिक्रमावासी और भरा झोला लेके लौटता है। बाकी कोई तीर्थ होते हैं भरा झोला लेके चलते तो खाली झोला लेकर लौटता है। तो माँ नर्मदा जी की कृपा बनी है और माँ नर्मदा आप सभी को, हम लोगों के साथ साथ आप सब लोगों को भी आशीर्वाद दे, क्योंकि जो पुण्य नर्मदा परिक्रमावासी कमाते हैं, उनकी सेवा करने वालों को भी उस श्रेय में, उसमें हक मिलता है
तो उसमें आपको भी हक मिलता है, आपको भी श्रेय मिलता है, आपको भी पुण्याई मिलती है। इसलिए आपको भी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे कैसे दूर होया घड़े ये लोग पटेल आ रहे हो भैया पटेल आ रहे हो चलिए चलिए बच्चों चलो चलो चलता रहो परीक्षा मत लेना चलो 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 हटाओ साइड में थोड़ा साइड हो जाओ भैया पूरा फोटो करा लो फोटो करा लो चलिए 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 क्या यहाँ पे क्या स्वागत है इनकी फोटो लो भी है खराब भाई अरे रानी भाई हूँ फूलमाला दो तो जंगल में आ रही है तो सही के आगे झूठ की नहीं चलती है तुम सही में सही साबित कर सकते हो कितना झूठ बोलना पड़ता है सही बात के लिए वो जब भी नहीं दबती है क्या झूठ का महल अरे बोल नहीं चलो अब आगे चलो नर्मदा मैया की जय मंत्रमंडल आर गोपाल एवं आप लोग दबिए रास्ता बनाइए चलिए पीछे दबो राजा साहब पधार रहे हैं एक मिनट रुक जाइए Yeah.
काशी विश्वनाथ भगवान की। कांग्रेस के अध्यक्ष स्वामी होलानी का